टू द चैनल मैंने विकास मवादी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और थोड़ी सी एक दुख भरी सी कहानी है मुरादाबाद को लेके कि मुरादाबाद में कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है, बुद्ध बाजार हो, चाहे वो कपूर कंपनी का पुल हो या फिर डबल फाटक का। अभी हम फाइनली करूले में हैं और हम जो है वो हनुमान मूर्ति से कोहिनूर त्राहे की तरफ से होके डबल फाटक पुल जा रहे हैं, क्योंकि वो फाइनली रात को बंद हो चुका है, सैटरडे की रात को, शनिवार की रात को। और सुनने में आया कि 2 से 3 महीने तक वो बंद रहेगा। फिलहाल चलते हैं, दिखाते हैं आपको, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है इस रोड पर। और हनुमान मूर्ति से और कोहिनूर त्राहे तक बहुत भयानक वाली भीड़ थी, हम भी फंस गए थे। बाकी आपको लेके चलते हैं डबल फाटक के पुल, दिखाते हैं कैसे काम चल रहा है। अभी स्टार्ट हुआ है फिलहाल। और हमने यहाँ की करूले की अब से दो साल पहले लगभग वीडियो बनाया था, उस पर 20,000 से ज़्यादा, लगभग 22,000 व्यूज़ हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। जो लोग मुरादाबाद से बाहर रहते हैं वो कमेंट करते रहते हैं कि भाई करूला दिखाओ, पीर का बाज़ार दिखाओ, तो हम फाइनली आ गए दिखाने के लिए। तो दोस्तों देख लो, ये है पूरा नज़ारा कोहिनूर से डबल फाटक तक का। हम फाइनली डबल फाटक के पास में पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं लगभग। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ डबल फाटक पुल की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, कष्ट के लिए खेद है। ये पूरा डबल फाटक का पुल अभी आगे जाके दिखाते हैं, पूरा बंद हो रखा और पैदल वालों के लिए भाई बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है अभी फिलहाल। और इधर से आए थे हम लोग, ये पूरा खाली करवा दिया, आगे भी बैरिगेटिंग कर रखी है, दसराय पुलिस चौकी है। बाकी आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों पैदल वाले लोग कुछ इस टाइप से निकल रहे हैं और यहाँ पर पूरा ये बंद कर रखा है, जो इकट्ठा जो बीच में डिवाइडर वगैरह बने हुए थे मसाले वाले, वो पूरे इकट्ठे कर दिए। और ये पूरा इधर का सीन है और बाकी आगे चलते हैं, थोड़ा और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों पैदल वाले लोग आ ही रहे हैं, जैसा कि आप सबको दिख ही रहा है, पता है बहुत कम लोग हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ आगे चल के आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये पुल जो है वो रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लोग पैदल पैदल नीचे भी जा रहे हैं, आप देख सकते हो ये लोग नीचे भी जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग क्रॉसिंग करेंगे, मतलब उसको रेलवे ट्रैक को क्रॉस करेंगे, तो हो सकता है कि हादसे बढ़ने की संभावना हो रेलवे ट्रैक पे। तो दोस्तों ये है रेलवे ट्रैक और दो ट्रेनें गुजर रही हैं, ये पूरा व्यू, आगे हमारा रेलवे स्टेशन है, इधर ये लोग पैदल पैदल जो आने वाले थे, मैं जो बता रहा था आप देख सकते हो, पैदल पैदल लोग सब इधर से क्रॉस कर रहे हैं और कुछ इसके नीचे भी खड़े, ज़्यादा नहीं है वैसे, कुछ ही खड़े। और उस साइड में देखो आप, अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ से नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो उधर से भी लोग इधर को आने के चाहत में है, मतलब समझ सकते हो। बाकी आगे चलते हैं, थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। तो पैदल पैदल हम लोगों ने डबल फाटक का पूरा प्रॉपर पुल पार कर दिया, ये इधर अपना मेन वाला पुल है आप देख सकते हो उधर, और इधर जो है वो डबल फाटक का दूसरी साइड है, देख लो उधर ईदगाह के लिए निकल जाएंगे सीधे, क्योंकि फिलहाल तो इधर बंद है, पैदल वाले परेशान हैं, ऑटो वाले बहुत पड़े हुए, और हम लोग बस ऐसे ही आए थे रैंडमली घूमने, तो इधर पूरा बंद है और इधर ऑटो ही ऑटो पड़े हुए। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, ये अभी लगभग 1.5 से 2 महीने तक बंद रहेगा पुल डबल फाटक वाला। तो आप लोग जो है वो हनुमान मूर्ति से कोहिनूर त्राहे की तरफ को घूम के आ सकते हैं, बाकी बहुत सारे रास्ते हैं, मेन रास्ता तो वही वाला, लेकिन उस पर भीड़ भी, उस पर भी काफ़ी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल, प्यार बनाए रखें, वीडियोस आती रहेंगी, मिलती रहेंगी।